नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं पूजा। रीवा कॉफी हाउस में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र शुरू से ही ठेकेदारों की मनचाही कमाई का जरिया बना हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी 3 सालों से केवल बदमिजाजी और गुंडागर्दी के पर्याय बने हुए हैं, जबकि असली कमाई आज भी पूर्व विधायक अभय मिश्रा ही ले रहे हैं। ताजा उदाहरण देखने को मिला है, जिसमें पूर्व में मुख्यमंत्री कमलनाथ के समय में स्वीकृत सड़क बीड़ा सिमरिया मार्ग, जो कि लगभग 50 किलोमीटर का है, जिसे फरवरी 2019 में स्वीकृति भी मिली थी, इसका ठेका श्रीजी कंपनी को दिया गया था, जो कि पूर्व विधायक अभय मिश्रा की ही सहयोगी कंपनी है, और उसी टेंडर को अभी हाल में ही बिलों में टेंडर प्राप्त किया गया है, जिससे समझ में आ रहा है कि यह तो उसी प्रकार की राजनीतिक ठेकेदारी का उदाहरण है जिस प्रकार की पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल पिछले 15 वर्षों से करते आ रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस समय सिमरिया में पूर्व बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा सिमरिया विधानसभा में पूर्व विधायक अभय मिश्रा का कार्यक्रम लगातार करवाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता ये अंदेशा लगा रही है कि बीजेपी में अभय मिश्रा अब शामिल होने जा रहे हैं जिसे क्षेत्र की जनता ये अंदेशा लगा रही है कि बीजेपी में अभय मिश्रा अब शामिल होने जा रहे हैं। इस टेंडर के मिलने के बाद से आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से आज भी बीजेपी सरकार में पूर्व विधायक का कितना बोलबाला है। आइए आपको सुनाते हैं आप पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा को कि उन्होंने क्या कहा है। पहले तो सभी पत्रकार बंधु जो यहाँ पहुँचे हैं, आप सभी को जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और नया वर्ष जो आप सभी लोग के लिए चौथा स्तंभ बनकर आप सभी यहाँ पर सत्य के साथ में लड़ाई में साथ खड़े होंगे, इसी उम्मीद के साथ में। मैं प्रमोद शर्मा आज जो है यहाँ प्रेस वार्ता करने आया हूँ, वो विधानसभा सिमरिया के महत्वपूर्ण मुद्दे पर किया हूँ, क्योंकि आपका जो है नगर पंचायत पे हो रहे भ्रष्टाचार, पूरे सिमरिया विधानसभा के अंदर में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, जिसके कारण से वहाँ पर जो है खुलेआम जो है अवैध वसूली का चरागाह बना हुआ है, इसी बात को लेकर आज हम यहाँ पर मेरे साथ में और ग्रामीण अंचल के जो आए हुए लोग हैं, वो लोग सिमरिया विधानसभा से आए हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पास जो है ये पत्र, हम लोगों ने आज जो है कलेक्टर महोदय से हम सभी लोगों ने मुलाकात की है, एक शिकायत की है, बताया है कि पिछले अवैध वसूली पिछले जैसे चालू थी, उसके बाद जब मैंने लास्ट टाइम जब मेरे साथ मारपीट हुई थी, मैंने आरोप लगाए थे, विधायक के लोगों ने मारपीट की थी, वापस फिर से टेंडर मिला है, उसके लिए बोर्ड लगवाए थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर आए दिन रोज मारपीट की घटना होती है और वहाँ पर अवैध वसूली होती है, जिसके जो है ये ठेकेदार बाजार बैठकी में जो है ठेकेदार के द्वारा अभी हाल में ही दिवाकर द्विवेदी के ट्रक को रात को 11 बजे 11:30 बजे मारपीट की गई थी। उस टोल प्लाजा में ऐसा शिवराज सिंह सरकार के जमाने में ऐसा टोल प्लाजा बनवाया गया था कि जिसकी आगे सड़क ही नहीं, तो हर महीना MPRDC जब मैं लास्ट टाइम मैंने उस पर बोर्ड उठाया था ऑब्जेक्शन और विधानसभा क्वेश्चन भी हुआ था, तो मेरे पास जो NRTI लगाई उसके तहत ये है कि MPRDC क्योंकि सड़क नहीं है और गलत टोल बनाया है, इसलिए 6.25 लाख रुपए जो है हर महीना ब्याज के तौर पे अभय मिश्रा के उर्दित इंफ्रा को देती है, और वहाँ पर जो लोग ये बोलते हैं वसूली को, तो अभी जब नगर परिषद के अंदर में ये सब हुआ तो क्या है, वहाँ के लोगों ने विधायक के द्वारा जो कहकर TI से, ये वहाँ का कर्मचारी है जिसके साथ में मेरे 50 कॉल करने के बाद भी वहाँ के थाना प्रभारी ने एक भी एक्शन के खिलाफ नहीं लिया जो है ये, पर ये आदमी को अवैध वसूली का जो नाम ले रहे थे तो आके जबरन जो इसके साथ मारपीट की किसने मारा? TI साहब तो और अच्छा TI जो है वहाँ खड़क जी है। अच्छा कर देना, क्या नाम है आप? क्या नाम? सूरज। एक रोड जो है सड़क, एक सड़क, ये भी एक मामला मैंने लिया है, ये मैंने लिखा है कि पूर्व विधायक अभय मिश्रा सिमरिया के विकास के नाम पे जो है खुद का विकास कर रहे हैं, मेरा स्टेटमेंट है ना। आप लोग अभी तक बोलते थे कि प्रमोद शर्मा जो है क्यों नहीं बोलता उनके खिलाफ, तो उनके खिलाफ इसलिए बोलते क्योंकि उनकी एंट्री नहीं थी, अब एंट्री सिमरिया में उनकी हुई है, सिमरिया में एंट्री ऐसी हुई है, या बीजेपी के ही कार्यकर्ता उनके साथ में गाँव में कार्यक्रम करा रहे हैं, इसका मतलब यह है, और दूर से मेरे को भोपाल से संदेशा है ये कि अब बहुत जल्द KP त्रिपाठी की टिकट कट गई है, अब उनकी जगह पे अभय मिश्रा वापस जो है बीजेपी की सीट से ही चुनाव लड़ लेंगे, ऐसा मेरा जो है ये अनुमान है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि कारण इसका ये है कि एक निविदा निकला था 2019 में, निविदा निकली थी इस बात के लिए कि यहाँ पर जो है बीड़ा सिमरिया रोड जो है
50 किलोमीटर का जो सड़क थी, 61 किलोमीटर की सड़क थी, उसको जो है जब मिली थी तो उस वक्त जो है जब निकला टेंडर निकला था तो पहली बार भी इन्होंने अपना संविदा भरी थी, तब भी जो है एक बार हुआ, दोबारा निरस्त होने के बाद दोबारा जब संहिता हुई है, एक कंपनी है, देखिए मेरे हाथ में कागज है, ये मैंने RTI से निकाली है, ये कागज जो है जो यहाँ पर मिला है ये जो है श्रीजी कंपनी को मिला हुआ है। ये श्रीजी कंपनी की कहानी क्या है इस बात को समझें कि श्रीजी कंपनी जो है और कोई नहीं है, ये अभय मिश्रा ही है, ये अभय मिश्रा है, आप लोग सब जानते होंगे, ये अभय मिश्रा उसी प्रकार अभय मिश्रा है जिस प्रकार से क्लासिक इंफ्रा, जिस प्रकार से और भी बहुत ज्यादा चीजें, ये सारा जब ठेकेदार राजनीति के अंदर जब घुसता है तो उसका उदाहरण पहले मिल चुका, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जो है जिस प्रकार का खेल खेलते हैं, अपने नाम से टेंडर ना लेकर अपने साथियों के नाम से नई कंपनी बना के लेते हैं, उसी प्रकार का सेम प्रकरण जो है ये अभय मिश्रा की सृजी कंपनी है जिसने यहाँ पर टेंडर, उसके नाम से टेंडर आया, टेंडर का मिलना इस बड़े काम को लेकर जिसका दावा जो ठोकते थे KP त्रिपाठी, उस टेंडर को मिल जाना अभय मिश्रा को, ये संकेत देता है कि अब जो है क्योंकि कम लगा के बोली बोल के ले लिया उन्होंने, इसका मतलब ये है उसी प्रकार का खेल खेला जैसे राजेंद्र शुक्ला की टिकट देगी, शराब ठेकेदार को भारतीय जनता पार्टी जो है देती है, वो तो हर प्रकार के लोगों को देती है, किसी को देती है, वो एक अलग मैटर है कि कौन क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो ये जानने के लिए है तो वही किसी को दे सकती है, क्योंकि उनके ऐसा नहीं है। अगर साउथ आप चले जाएं तो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं साउथ में चले जाएं, सारे शराब माफिया हैं। अभी मैं हाल में तिरुपति गया था तो मालूम चला कि रेड्डी वहां पर जो है CM है, पूरा उसका वो है, तो उस पर ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो संदेशा मिल रहा है जो मैंने आपको दिखाया है ये कि श्री जी आप पता करिएगा, मैं दावा ठोक रहा हूँ यहाँ पर, ये कंपनी उन्हीं की है, सत्ता में होते हुए अगर विरोध था तो इनको ये टेंडर ऐसे कैसे यहाँ पर मिल गया, इसका मतलब यह है कि ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पर अभी भी KP त्रिपाठी की सिमरिया विधानसभा के अंदर में ठेकेदारी के मामले में कहीं शून्य है, वो कुछ नहीं मिलता, तो अभय मिश्रा की अभी भी चल रही है संचालन BJP के अंदर में, संचालन कौन कर रहा है किसका, इसका ये श्री जी कंपनी उन्हीं के होंगी, उन्हीं के नाम लेके जैसे जो पटेल है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Virat 24 न्यूज, नमस्कार। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें, हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।